मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसमें कुछ बेसिक टर्म्स जो अपने यूज आती है उसके बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। ठीक है, वन सेकेंड, छोटा सा एक बार अपन इसका जो रीकैप है वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन आईयूपीएससी के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो जनरल टर्म्स अपन ने यूज की थी, ठीक है, उन जनरल टर्म्स में फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम। आप सोचोगे कि मैडम इस चीजों में इतना क्यों जोड़ा, मतलब कब से ये टॉपिक अपन पढ़े जा रहे हैं, आईयूपीएससी नेमिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इसकी आईयूपीएससी नेमिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, जो अपन ऑर्गेनिक की आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ता है उसकी जैसी नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, और उस अलग के लिए आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं छोटा सा इसका रिविजन कर रही हूँ। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंड इज लिगेंड्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स अपन ने स्टडी किए थे, मोनो, डाई, ट्राई, एंटी, चिलेट लिगेंड्स, पॉलीपेप्टाइड। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा है, तुम लोगों का भी रिविजन हो जाएगा, साथ साथ में देखते रहना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो जनरल स्टडी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ये अपन कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग की। ठीक है, अब देखो आईयूपीएससी नेमिंग के लिए इतना सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से इसके जो रूल्स हैं वो आप देखना। ठीक है, और उसके बाद रूल्स को अपन फिर एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, देखो पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अपन स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड जो इसमें सब्सटेंस होता है दैट इज लिगेंड एटम्स और लिगेंड कंपाउंड्स। ठीक है, देन हियर इज पॉजिटिव काउंटर आयन एंड हियर इज नेगेटिव काउंटर आयन। ठीक है, तो देखो अगर अपन इनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करें, ठीक है, तो देखो आपको अगर आप सीक्वेंस वाइज चलो तो आपको क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव काउंटर आयन है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान से देखना यहां क्या हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम को कवर करके रखा है। किसने कवर करके रखा है? लिगेंड्स ने कवर करके रखा है। क्लियर, इसलिए पहले काउंटर आयन की नेमिंग होगी, देन लिगेंड्स की नेमिंग होगी। ठीक है, एंड उसके बाद किसकी नेमिंग होगी? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, देन सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखेंगे अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लास्ट में किसकी नेमिंग होगी? नेगेटिव काउंटर आयंस। ठीक है, रिवाइज करो बेटा मेरे साथ साथ में, फिर से देखो फर्स्ट नेमिंग किसकी हुई है? पॉजिटिव काउंटर आयन की, वेरी गुड। सेकेंड किसकी नेमिंग हुई है? लिगेंड्स की। ओके, थर्ड सेंट्रल मेटल एटम, देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फोर्थ नेमिंग ऑफ नेगेटिव काउंटर आयन। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने ये पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहां से स्टार्ट कर देंगे? फर्स्ट पॉइंट किया स्किप, नेक्स्ट कहां से स्टार्ट कर दिया? लिगेंड से स्टार्ट कर दिया। ओके, देन सीक्वेंस वही चलनी है, लिगेंड देन सेंट्रल मेटल एटम एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड देन नेगेटिव काउंटर आयन। अगर मान लो किसी में नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है तो इसको यहीं
मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करो एंड देन स्टॉप करो. क्लियर है? दोबारा सुन लो. फर्स्ट पॉजिटिव काउंटर आयन, देन नेमिंग ऑफ लिगैंड, देन नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन द लास्ट नेगेटिव काउंटर आयन. क्लियर है सबको? ठीक है. अब किसकी नेमिंग कैसे करेंगे, किसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या उसकी नेमिंग होगी, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स का क्या नेम होगा, ये सब अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट देखो एक आउटलाइन जो होता है कि पहले अपन नेमिंग करेंगे कैसे. लाइक जैसे अपन बात करें कि भाई अपन ने एक रजिस्टर बनाया है और उसमें अपन को क्या करना है, अपन को मेंशन करना है कि सिर्फ गर्ल्स के नेम होंगे, सिर्फ बॉयज के नेम होंगे, सिर्फ टीचर्स के नेम होंगे. तो अभी तक तो अपन ने सिर्फ यही डिसाइड किया है कि नेमिंग अपन किस पैटर्न में करेंगे. ठीक है. अब करेंगे कैसे, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो देखो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन नेमिंग किसकी करेंगे बेटा, पॉजिटिव काउंटर आयन की. फर्स्ट जो नेमिंग का रूल होगा, रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयन. ओके. फर्स्ट अपन नेमिंग किसकी करेंगे, पॉजिटिव काउंटर आयन की. ठीक है. अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि पॉजिटिव काउंटर आयन क्या होता है, इसीलिए देखो वो टर्म्स अपन ने यूज की थी. ठीक है. मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, K4FeCl6. ठीक है. Zn, ओके, लाइक Fe, अंदर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इसका अंदर वाले जो जो भी सब्सटेंस है उसका अगर अभी अपन को कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अपन को किससे मतलब रखना है, इस चीज से. एंड दिस इज काउंटर आयन. और कौन सा काउंटर आयन है बेटा, पॉजिटिव काउंटर आयन. ठीक है. तो यहां आप देखो पॉजिटिव काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम. कौन है पॉजिटिव काउंटर आयन, पोटेशियम. ठीक है, पता चल गया. नेक्स्ट वाले में काउंटर आयन कौन है, आयरन. अगर यहाँ पे सोडियम होता तो काउंटर आयन कौन होता, सोडियम. मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम, Zn होता तो जिंक. मीन्स कोई भी पॉजिटिव जो स्पीसीज है वो एज ए पॉजिटिव काउंटर आयन यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना क्योंकि सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. फर्स्ट तो अपन ने ये देख लिया कि भाई काउंटर आयन है. ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें. जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि हाँ भाई के है तो पोटेशियम होगा, Na है तो सोडियम होगा, Fe है तो आयरन होगा, या और कोई भी आयन होगा तो उसका जो नेम होगा वो होगा. ठीक है. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब बच्चे बिल्कुल अच्छे से ये बात दिमाग में फिट करके रखेंगे, काउंटर आयन का कभी भी नंबर मेंशन नहीं करते. ध्यान से सुनना, काउंटर आयन का कभी भी नंबर मेंशन नहीं करते हैं. ओके. अगर के फोर है तो भी पोटेशियम ही लिखेंगे, पोटेशियम ही मेंशन करेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे. के टू है तो भी पोटेशियम, के टेन है देन ऑल्सो पोटेशियम. ठीक है. मीन्स ध्यान ये रखना है कि काउंटर आयन्स का अपन को नंबर मेंशन नहीं करना है, उनका ओनली नेम मेंशन करना है विदाउट नंबरिंग. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट किसकी नेमिंग करेंगे बेटा अपन, पॉजिटिव काउंटर आयन्स की. ठीक है. सेकेंड, काउंटर आयन्स के अंदर अपन कभी भी नंबर मेंशन नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी अमाउंट में हो, कितना भी उसका नंबर हो, उसकी नंबरिंग अपन मेंशन नहीं करेंगे. डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जो ये डिफरेंट टाइप के जो अपन नंबर के लिए वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड अपन यहाँ यूज नहीं करेंगे. क्लियर है सब बच्चों को? टू पॉइंट्स हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना. टू पॉइंट्स में काउंटर आयन के बारे में अभी अपन ने बात की है. ठीक है. चलो तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल जिसमें अपन किसकी नेमिंग करेंगे, काउंटर आयन की. चलो नेक्स्ट रूल नंबर टू. सेकेंड
the whole rice, 3 positive. This is 2 positive, okay, 2, 4 positive. ठीक है, this is 2 negative और इस पे कोई charge नहीं था. तो देखो यहां अगर अपन बात करें तो देखो यहां पे कौन सा ligand है, Cl, यहां Cl, यहां CO and here H2O and NH3. ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, काउंटर आयंस का नंबर अपन ने मेंशन नहीं किया था. ठीक है ना, काउंटर आयंस का नंबर हमने मेंशन नहीं किया था, बट लिगेंड का नंबर हमें मेंशन करना है, 101% करना है. क्लियर है, लिगेंड्स का जितना नंबर है वो आपको मेंशन करना है. लाइक इफ 2H2 इज प्रेजेंट देन डाई, 3 फॉर 3 वी यूज ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका. आईयूपीएससी में आप बहुत बार यूज कर चुके हो इनको. ठीक है, वही सेम चीज है. यहां अपन क्या यूज करेंगे, हेक्सा. अब लिखेंगे क्या, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइड, वो नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, ज्यादा दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप चलो. ठीक है, तो अभी तक जो अपन को चीज देखनी है वो ये देखनी है कि काउंटर आयन पॉजिटिव है या नहीं है. अगर है तो उसका नेमिंग अपन करेंगे, प्लस कितना है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अपन को नंबर मेंशन नहीं करना है. क्लियर, काउंटर आयन के बाद में अपन किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड की नेमिंग करेंगे. ठीक है, लिगेंड कितने हैं ये मेंशन करना है, 100% करना है. ठीक है, एश्योरिटी के साथ करना है कि भाई कितने लिगेंड हैं आपके पास. ठीक है, तो यहां अपन यूज करेंगे हेक्सा, हियर वी यूज टेट्रा, हियर ऑल्सो टेट्रा, हियर वी यूज ट्राई एंड ट्राई. क्लियर, इतना काम हो गया. अब देखो, अब ये जो पॉइंट है ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट था, बिकॉज आईयूपीएससी में अपन बहुत बार ये चीज यूज करते हैं. ठीक है, अब जो डिफरेंट पॉइंट है वो ये है, आपने ये लिगेंड देखा होगा CH2NH2, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, और वी कैन से डाइडेंटेट लिगेंड, मींस द लिगेंड विच हैव टू कोऑर्डिनेशन साइट्स. ओके, जो टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का या टू कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड्स है उनका फॉर्मेशन करता है, उसको अपन डाइडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं. ठीक है, तो यहां अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें कितने डोनर एटम्स होते हैं बेटा, टू डोनर एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, बोथ द नाइट्रोजन फॉर्म टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम. अब देखो, चलो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इसका नेम क्या है, अब इसका नेम देखो, इथाइलीन डाई अमाइन. क्या नेम है इसका, इथाइलीन डाई अमाइन. अब मान लो इसको अपन EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है आपको, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा COEN होल ट्वाइस एंड देन 3 पॉजिटिव, मींस यहां पे EN कितने टाइम है, 2 टाइम है. ये पॉइंट नया है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना, डिक्टेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, यहां EN कितने टाइम है, 2 टाइम है. इट मींस जनरली अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, डाई, टू टाइम तो डाई यूज करेंगे, डाई इथाइलीन डाई अमाइन. ओके, बट ऐसा नहीं होगा, और जो चीज नहीं होगी, जो चीज एक्सेप्शन है वो ही बहुत बार पूछी जाती है. ठीक है, इसलिए अगर आपकी कॉपी पैन अगर आप लेके बैठे हो, आपके नोट्स लेके बैठे हो, तो वहां भी पेंसिल से मार्क कर लेना. ठीक है, या फिर अभी भी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो भी आप अलग से इस चीज को मेंशन कर लो, डिक्टेट कर लो. बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं. ठीक है,
ठीक है, ध्यान रखना। वैसे आपने ये ही काम में आते हैं दिस एंड प्रिंस, इससे ज्यादा यूज नहीं आता। देखो ये एग्जाम्पल आपने ने देखा था, अगर आपको याद हो पॉलीडेंटेट लिगेंड का था ई डी टी ए, ठीक है, एंड उस ई डी टी ए का अगर अपन फुल फॉर्म देखें तो इथाइलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। मीन्स देखो कितने सारे वर्ड यूज आ रहा है उसमें, डाई भी यूज आ रहा है, टेट्रा भी यूज आ रहा है। तो जब आप उसका नंबर ज्यादा हो तो आप उससे पहले जब ये डाई ट्राई वर्ड यूज करोगे ना तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉमन अगर कोई लिगेंड है लाइक सी एल एफ, अगर वो टू टाइम है तो आप डाई यूज कर सकते हो, बी आर डाई यूज करो, ट्राई यूज करो, जितने भी टाइम है वो उसका नंबर यूज करो। बट अगर किसी कंपाउंड के नेम में पहले से डाई ट्राई चेट्रा ये नंबरिंग वाले वर्ड यूज आ रहे हैं तो उसके लिए अपन डाई वर्ड यूज नहीं करते। फॉर टू वी यूज बिस एंड फॉर थ्री वी यूज प्रेस, क्लियर है, ठीक है। फिर से देखो मैं एडवाइस कर रही हूं, फर्स्ट किसकी नेमिंग की बेटा अपन ने, पॉजिटिव काउंटर आया, ठीक है, विदाउट नंबरिंग, कोई नंबर मेंशन नहीं किया। सेकेंड अपन ने नेमिंग की किसकी, लिगेंड्स की, ठीक है, प्लस लिगेंड में अपन ने उनका नंबर मेंशन किया, क्लियर। थर्ड, अगर लिगेंड के नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसा कुछ वर्ड यूज आ रहा है तो फॉर टू वी यूज बेस, थ्री वी यूज ट्रिस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, चलो ये तो हो गया लिगेंड के नंबर की बात की, हाँ भाई लिगेंड इतना इतना होगा तो ये यूज करेंगे और इसके बाद में अब देखो। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका जो लिगेंड हो वो एक ही टाइप का हो, ठीक है। हमने पढ़े होंगे, हमने कॉम्प्लेक्सेस के टाइप पढ़े, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, टू टाइप के, होमोलैप्टिक एंड हेटरोलैप्टिक, ठीक है। होमोलैप्टिक मीन्स द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, एंड हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो जब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे तो क्या करेंगे अपन, कौन से लिगेंड को फर्स्ट नंबरिंग देंगे, कौन से को लास्ट देंगे, क्या बेसिस रखेंगे, क्या बेसिस रखेंगे वहां पे बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ध्यान से सुनना, कौन सा ऑर्डर रखा, अल्फाबेटिक ऑर्डर, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है उस लिगेंड को पहले मेंशन करेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बाद में आ रहा है उसको बाद में मेंशन करेंगे। ध्यान से सुनो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं होंगे, ओनली लिगेंड का जो एक्चुअल नेम है वो ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर मोर देन वन टाइप के लिगेंड हुए तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब ये तो बात होगी कि भाई कितने लिगेंड होंगे, कैसे इनकी नेमिंग करेंगे, ये सारी चीजें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि लिगेंड का नेम लिखेंगे क्या, ठीक है, लिगेंड की नेमिंग करेंगे कैसे। तो देखो आपने जो नोट्स हैं उसमें आप देखोगे कि जनरली आपके पास टू टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ठीक है, विच डोनेट इट्स नेगेटिव चार्ज टू द सेंट्रल मेटल एटम। और सेकेंड टाइप के जो लिगेंड होंगे दैट इज न्यूट्रल लिगेंड, मीन्स विच हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये डोनेट करेंगे नेगेटिव चार्ज और ये डोनेट करेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो यहां जो चीज याद रखने की है, जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे उनके लास्ट में क्या वर्ड यूज आएगा, क्या सफिक्स यूज आएगा, ओ, बहुत ध्यान से सुनना, क्या
drug, but zyada valid chloride hai. For Br negative we use bromide. For I negative we use iodo. For OH negative we use hydroxo. For Cn negative we use cyanide. For SO4 negative we use sulfato. CO3 negative we use carbonato. Means जो जिसका नाम है उसके लास्ट में सिर्फ O लगा दो, ठीक है? उसका सफिक्स क्या लगा दो? O लगा दो. ध्यान रखना लिगेंड की जब अपन नेमिंग करेंगे तो वहां पे क्या सफिक्स एड होगा? O. Means आयोडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो, साइनाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ठीक है? ओनली S2 नेगेटिव है तो सल्फाइडो, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव है तो नाइट्राइटो, ठीक है? अब ये जो इनकी जो लिस्ट है वो आपको नोट्स में मेंशन करवाई भी है, ठीक है? जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनको याद करना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि IUPAC नेमिंग में भी आपकी वो चीज यूज आएगी, प्लस जब आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे उस टाइम भी आपको ये जो चार्ज है ये पता होना चाहिए. अगर आपको चार्ज पता नहीं है तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड नहीं कर सकते. क्लियर है? सो नेगेटिव लिगेंड, फॉर लाइक नेगेटिव लिगेंड वी यूज O सफिक्स. क्लियर? अब बात आती है न्यूट्रल लिगेंड्स की. न्यूट्रल मीन्स जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं NH3, H2O, CO, NO, EN, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, NH3, अब NH3 नाम देखते ही आपके दिमाग में आता है अमोनिया, आता है ना? बट यहां अपन इसको अमोनिया नहीं बोलते हैं, यहां अपन इसको क्या बोलेंगे? अब कुछ बच्चों की मेरे स्पेलिंग कितने दिमाग में आ रहा है, अमाइन. बिल्कुल भी नहीं. अमाइन का स्पेलिंग होता है AMINE, सिंगल M आता है, ठीक है? इसमें डबल M आ रहा है, इसका नेम होगा अमीन. क्या नेम होगा इसका? अमीन. क्लियर? सो NH3 वी यूज अमीन. फॉर H2O वी यूज एक्वा. फॉर CO वी यूज कार्बोनाइल. फॉर NO वी यूज नाइट्रोसिल. फॉर EN वी यूज इथाइलीन डाइअमाइन, जो इसका कॉमन नेम है वो ही सेम. ओके? फॉर C5H5N वी यूज पाइरेडीन, ठीक है? ध्यान रखना बेटा इनकी सब की लिस्ट जो है, नेम की लिस्ट, वो आपको कॉपी में मेंशन करवाई हुई है, ठीक है? जितने भी कंपाउंड्स हैं सबका लिगेंड्स का जो नेम है, ठीक है? फॉर नेगेटिव लिगेंड वी यूज O सफिक्स, वी एड O सफिक्स, एंड फॉर द न्यूट्रल लिगेंड्स वी यूज द स्पेसिफिक नेम. लाइक फॉर NH3 वी यूज अमीन, H2O वी यूज एक्वा, कार्बोनाइल वी यूज CO वी यूज कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसिल, EN के लिए इथाइलीन डाई अमाइन, एंड फॉर C5H5N वी यूज पाइरेडीन. क्लियर है बेटा? ठीक है, फटाफट देख लो जो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं उसका छोटा सा रिकैप. रूल्स अपन डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट जो रूल्स है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयन विदाउट इट्स नंबरिंग, ठीक है? नंबर मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव काउंटर आयन को लिखेंगे, ठीक है? सेकेंड किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड्स की, बट लिगेंड में नंबर मेंशन करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? सेकेंड, अगर किसी लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज आ रहा है तो उसके लिए 2 for 2 भी यूज, बेस 3, ट्रिस 4, टेट्राकिस पेंटाकिस एटसेट्रा. ओके? अगर आपके पास लिगेंड मोर देन 1 टाइम के हैं तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग. एंड नेक्स्ट लास्ट, फॉर नेगेटिव लिगेंड्स वी यूज सफिक्स O एट द एंड ऑफ द लिगेंड. ओके? एंड जो न्यूट्रल
प्लस रूट्स में आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कल अपन किसकी नेमिंग करेंगे, सेंट्रल मेंटल एटम एंड नेगेटिव काउंटर एटम, ओके। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके एग्जांपल्स को मेंशन करेंगे, ओके।